हम नाजीन को बताते चलें कि कसूर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन ना बढ़ाने पर मुल्कगीर हड़ताल का इंदिया दे दिया है। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद हमारा मार्जिन 2% से भी कम हो गया है। कसूर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोल पंप मालकान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में बार बार इजाफे की वजह से निजी पेट्रोल पंप के अखराजात में 300 गुना इजाफा हो चुका है। इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुकी, अब कलील कमीशन पर कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो गया। हमारा कैपिटल डबल हो गया, जो डीजल पेट्रोल की जो हमारी रास्ट से हम बोलते हैं वो डबल हो गई ऑलमोस्ट। पहले जो डीजल पेट्रोल 120 रुपए लीटर के करीब था, वो 250 रुपए लीटर के करीब है। इसके ऊपर हमारे ऊपर जो कारोबार करना है वो मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ने के बाद मार्जिन 2% से भी कम रह गया। आए रोज बिजली के नरखों में इजाफा, जनरेटर के अखराजात, किरायों में इजाफा, गवर्नमेंट टैक्सेस मगर कमीशन में इजाफा ज्यों का त्यों है। पेट्रोल पंप मालकान शदीद माली बहरान से दो चार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन आए रोज जो है इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो मार्जिन है, डीलर मार्जिन है, वो 2% से भी कम रह चुका है। साबका गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था उन तमाम वादों को मुकम्मल किया जाए, और अगर संजीदगी से इस हुकूमत वक्त ने हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो हमें मजबूरन जो है हड़ताल पे जाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप मालकान का मुतालबा है कि पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन 6% किया जाए, जिसका साबका गवर्नमेंट ने जून 2022 में बढ़ाने का कहा था, वरना मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ मलक असगर अली, K21 न्यूज कसूर।